ममता सचदेवा एंड आई एम शोइंग यू मेरे होटल के बाहर का पूरा वीडियो बिकॉज जब मैं लाइव वीडियो से दिखा रही थी तो इट वॉज गेटिंग डिसकनेक्टेड सो आई जस्ट थॉट ऑफ कमिंग आउट एंड वॉकिंग अराउंड मेक अ लिटिल वीडियो फॉर यू गाइज सो यू कैन सी स्कॉटलैंड कैसा दिखता है हाउ द बिल्डिंग्स एंड ऑल यू नो एंड इस तरह से है बिल्कुल. दिस इज़ वन ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द होटल और कितना प्यारा बना हुआ है देखिए. यहाँ पे अगर जैसे इंसान कभी बाहर खड़ा होकर चाय कॉफी पिए मजा आ जाए राइट. सो या आई एम गोना नाउ टेक यू टू द फ्रंट साइड ऑफ द होटल विच इज वॉक फ्रॉम दिस साइड. सो लेट मी टेक यू देयर एंड देन यू विल गेट टू नो कि मैं आपसे क्या कह रही थी कि होटल कैसा है और एक्चुअली में इट लुक्स लाइक अ कासल. और इधर भी आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स हैं राइट हैंड साइड में. सो इफ समबडी वॉन्ट्स टू हैव ड्रिंक्स एंड फूड तो ये होटल का हिस्सा ही है ऑन द राइट हैंड साइड. एंड आई थिंक यहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. सो पूरे वो जो गोल्फ में जिस एरिया में गोल्फ होता है वहाँ लेके जाने के लिए वो जो छोटे छोटे आपको मैं दिखाती हूँ ये लिखा हुआ है गोल्फ एंड लेजर शॉप. सो आई वॉज राइट या सो आई थिंक ये है वो. और ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ आपको पार्क की हुई दिख रही हैं इन पे बिठा के वो आपको जहाँ पे पूरा गोल्फ होता है वहाँ पे लेके जाते हैं जो लोग गोल्फ खेलते हैं जो लोग गोल्फ देखना चाहते हैं. सो बहुत महंगी गेम है ये. सो या दैट्स इट. और ये साइड का एक एरिया है इसमें पार्किंग है पूरी एंड दैट इज़ माई होटल. उधर से मैं आई हूँ अभी ये इस तरफ से हम आए हैं ठीक है. तो अभी मैं इस तरफ आपको लेके जा रही हूँ जहाँ पे मेरे होटल का फ्रंट है. सो आई जस्ट टेक यू देयर. इतने प्यारे देखिए बाहर फूल सो फ्रेश सीरियसली कमिंग फ्रॉम 55 डिग्रीज टू हियर इट्स अमेजिंग. एक कंप्लीट चेंज हो गया हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स आर. और जबकि हमारे लिए तो ठंड है पर स्कॉटिश पीपल के लिए लाइक लोगों के लिए यहाँ के लिए अभी समर चल रहा है. सो फाइनली पीपल दिस इज द होटल का रिसेप्शन एरिया एंड आई वॉजन लाइंग टू यू गाइज सी हाउ इट लुक्स. जैसे बहुत पुराना पता नहीं जन्मों जन्मों से बना हुआ ये होटल है यहाँ पे एंड वेरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन पर इट लुक्स लाइक वो पूरी हॉलीवुड मूवीज के जैसे कासल्स बने होते हैं. इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट. और बाहर से कोई देख के कह नहीं सकता कि ये होटल है. सो दिस इज़ दैट होटल द वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट. और आस पास भी पूरा ये जो इसके ब्लॉक्स हैं बहुत वैसे स्टाइल के हैं. मतलब कैसे बोलूं मैं आप लोग ऑलरेडी मेरे को इतना डरा रहे हो जैसे हॉन्टेड प्लेसेस टाइप्स होते हैं ना तो ये दिखने में वैसा ही है. और आसपास क्योंकि पूरा आप दूर दूर तक नोटिस करो क्या है सारा ग्रीन जैसे जंगल होते हैं ना बिल्कुल वैसा है दूर दूर तक. और रोड भी काफ़ी दूर है बाहर है तो यहाँ से जैसे कोई अगर वापस आ रहा हो रोड से अंदर की तरफ होटल की तरफ तो एक्चुअली जब रात को आओ तो पूरे शोर होता है यू नो जैसे जंगल में शोर होता है तो वैसा लगता है. बट द ब्यूटी ऑफ द होटल इसके आसपास जो इसके यू नो ये चलने के लिए और गार्डन्स वगैरह बने हैं बहुत प्यारे हैं दैट इज़ ऑसम. सो या आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज दिस एंड होप यू लाइक दिट. सी आज पूरे बादल छाए हुए हैं. That was also one of the reason to discourage me to go out. But honestly, I was very tired today. शायद मैं थोड़े दिन से shifting कर रही थी तो I was very tired. So anyway, yeah. So hope you guys enjoyed the view outside. Very fresh, beautiful, and yeah. देखो मैंने देखा है ये एक सपना फूलों के शहर में हो घर अपना. राइट. सो अभी मुझे वो गाना याद आ रहा है कसम से क्योंकि सब जगह वही गार्डन्स एंड फूल ही फूल हैं. और जो लोग आसपास भी चल रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि ये फूल हो गई है कैमरा लेके घूम रही है हाथ में यू नो. सो देखिए कितने प्यारे फूल हैं. और दैट इज़ द यू नो द कासल. अभी तो ठीक लग रहा है मैं मजाक उड़ा रही हूँ रात को मेरी लगने वाली है. सो एनीवे और एक चीज़ और मैंने फाइंड आउट की एक्चुअली कि होटल में मेरे कमरे में या आई थिंक किसी भी कमरे में एसी नहीं है. सो जो वो यूनिट लगा हुआ है वो शायद डिसकंटिन्यू किया हुआ है उन्होंने आई डोंट नो. तो मुझे पता करना पड़ेगा रिसेप्शन पे उसको कैसे चलाते हैं बिकॉज एसी के बगैर मुझे नींद नहीं आती थोड़ा ठंडा ठंडा फील होती है तो यू नो यू कैन स्लीप नाइसली. सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया. यहाँ से हम अंदर चलते हैं साथ में एंड ये पीछे देख लो आप गार्डन कितना प्यारा बना हुआ है. सी आई वॉज नॉट लाइंग टू यू गाइज ब्यूटिफुल है बहुत प्यारा है बना हुआ है सारा. सो या और बना कितने लॉक सिकर करके कुछ लिखा हुआ है. लेट्स हैव अ लुक. ये जो ऊपर कुछ बना हुआ है ये बीच में इसके ऊपर कुछ
लॉक सिक्कर लिखा हुआ है. आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन. एंड अभी मैं आप लोग को अंदर लेके चलती हूँ. ओके लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इट इज. आई होप आई एम होल्डिंग द कैमरा इन अ राइट वे. सो ये जो डोर भी है, ये जो लगा हुआ है डोर, दिस इज लाइक अ वेरी ओल्ड स्टाइल. तो आई एम श्योर दिस होटल इज लाइक पता नहीं कितने साल पुराना होटल है ये. सो दैट्स द रिसेप्शन एरिया. हाय मॉर्निंग. आह इट्स इवनिंग सॉरी. हाय हाउ आर यू. आई होप इट्स ओके. आई एम जस्ट शोइंग माय फ्रेंड्स. या या थैंक यू. सो या दैट्स रिसेप्शन एरिया. या दिस इज लाइक अ वेरी यूनिक होटल फॉर मी to experience. Yeah, so old, yeah old. Like since when? Like 1725 the golden era. 1725. Don't film me, I don't look my best. Okay sure. You look the best, better than me of course. 1725. Yeah. Wow. Yeah, have a look at, you can also have a look through here, then you can head up the stairs. Yeah. Okay, yeah, and sure. The stairs are beautiful up there. All right, I'll have a look. That's at that. Right. Thank no you. At all. Yeah, no, this is one of the best I've seen, like very. Oh, very good. I'm glad. So, yeah. And I think this painting is also very, very old. बहुत पुरानी बनी हुई है बिकॉज पेंटिंग के ऑलरेडी ऊपर ये जो है कि पूरा वो पेंट जो है ख़राब हुआ हुआ है. सो इट्स वेरी यू नो. या सो ये एक एरिया है. आई थिंक टू इन्जॉय सिट डाउन लाइक अ लाउंज टाइप्स. सो ये भी एक छोटा सा डाइनिंग एरिया लग रहा है मुझे. यहाँ पे आई थिंक शाम को अभी डिनर वगैरह शुरू हो जाएगा. सो या वेरी ऑथेंटिक. या आई होप यू गाइज लाइक इट. या ये पेंटिंग भी आई थिंक इज़ वेरी वेरी ओल्ड पेंटिंग. पता नहीं आंटी जी कौन है बट या नो इट्स फाइन. आई एम जस्ट या यू गाइज ओपन नाउ और सेवन वी टेक बुकिंग्स इफ यू वांट टू बुक. ओके नो वरीज नो वरीज. आई कम बैक. थैंक्स. तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ के खाना खाना है तो यू हैव टू मेक अ बुकिंग एंड 7:30 से आई थिंक 7:30 से कर सकते हैं शुरू. सो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन सो फार. और बाहर जो है इट्स ऑल ग्रीन एंड यू नो ब्यूटीफुल. सो अ ड्रीम कम ट्रू टाइप्स. वेरी वेरी नाइस. और आई थिंक कुछ पुरानी कलेक्शंस वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे क्लॉसेट में. व्हाई नॉट टू हैव अ लुक. सो आई थिंक ये प्रॉपर जो इनकी यूरोपियन कल्चर की चीज़ें होती हैं टाइप्स कुछ ऐसा है. सो इट लुक्स वेरी ऑथेंटिक एंड नाइस. मिरर पड़ा है नीचे. आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ओल्ड. या वेरी नाइस. सो या दैट वॉज द एंटायर लुक ऑफ द रेस्टोरेंट. आई थिंक पीपल हैव टू मेक अ बुकिंग टू कम एंड एन्जॉय देयर डिनर एंड ऑल दैट. सो या ये आउटसाइड सिटिंग भी है इनका. आई थिंक दे हैव सोफाज आउटसाइड. सो या समवेयर देयर सो पीपल कैन जस्ट सिट एंड यू नो. कुछ लोग बैठे भी हुए हैं बाहर ऑलरेडी. सो लेट मी टेक यू टू द अदर साइड. वहाँ पे भी दे आर सेइंग के एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड लग्जूरियस. सो आई विल शो यू दैट एज वेल.